बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम जा रहे हैं दुबई मॉल, क्योंकि आज जुम्मा है, यानी कि फ्राइडे है, तो दुबई में छुट्टी है। तो हमने कहा कि आपको भी साथ रखें, अपने लेके चले हैं दुबई मॉल। जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, साथ मेरे हस्बैंड हैं, बेटा है मेरा। तो ये देखें, ये जो है अब हम जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ ही। तो अब वहाँ की आपको सैर कराते हैं, दुबई मॉल दिखाते हैं, साथ में बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हम दुबई मॉल की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये आगे ट्विन टावर हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि ये बहुत पहले के बने हुए हैं, जब दुबई बना था उस टाइम के। अब तो खैर बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं दाएँ बाएँ दोनों तरफ, राइट साइड पर भी लेफ्ट पर भी। वो बहुत खूबसूरत मंजर है, ये रात का टाइम है, शाम का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शेख जायद रोड है सारी, और बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है। ये यही रोड सीधी अबू धाबी भी जाती है, जा रही है ये भी यही रोड। और जी बस अब हम पहुंच गए हैं मॉल के अंदर, यानी कि पार्किंग में आ गए हम। ये फैशन पार्किंग है, गाड़ी हमने पार्क कर दी, अब हम अंदर आ गए मॉल। ये गाड़ियाँ को जो उन्होंने रखी हुई हैं कि जो बच्चे नहीं चल सकते या उनको मसला है या कुछ है, वो इनके ऊपर बैठ के फिर अंदर जा सकते हैं। तो अब हम मॉल में एंटर हो गए हैं, मॉल में एंटर हो गए, हम आ गए अंदर। अब ये देखें, बहुत बड़ा मॉल है ये, और ये मेरा बेटा है, इसको भी हम लाए हैं, हमने कहा चलें घूमें फिरें जरा आज। ये इलेक्ट्रिक कार है जिसमें बैठ के वो पूरे मॉल का आपको चक्कर लगवाते हैं कि जो लोग नहीं चल सकते या थक जाते हैं, वो इस तरह के बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, जवान हो गए, जो भी इसमें बैठ के चक्कर लगा सकता है। बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है ये। और ये ऊपर से हम नीचे दिखा रहे हैं आपको कितना रश है, आज फ्राइडे है चूँकि, इसलिए बहुत रश होता है यहाँ पर वीकेंड पे। तो मुख्तलिफ शॉप्स हैं, ये सामने स्क्रीन लगी बड़ी, वहाँ पर ये नज़र आ रही होंगी आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स, एडवर्टाइजिंग हो रही है सामने पिक्चर्स की। और ये इलेक्ट्रिक कार है जिसको टैक्सी बोलते हैं, इसमें भी लोग उसी तरह ही बैठ के तो जाते हैं, पूरा घूमते फिरते हैं मॉल का सारा चक्कर लगाते हैं। ये मैं आपको नज़र आ रही हूँ, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको, मुख्तलिफ जगह आपको मैं दिखा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत सा एक फानूस लगा हुआ है सेंटर में, बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। ये मेरे, ये हस्बैंड है मेरे साथ, तो ये मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, ये सामने देखिए फानूस का ही मैं दिखा रही हूँ आपको, वो कितना अच्छा लग रहा है। और ये अब हम ऊपर खड़े हुए फ्लोर पे, ये सामने भी शॉप्स हैं सारे, सब नीचे भी ग्राउंड फ्लोर है, सारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह सब इंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग शॉपिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि दुबई मॉल तो बहुत बड़ा मॉल है, तो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं बहुत यहाँ पे। ये हम एक टॉय शॉप में आए अंदर, इसमें ये मुख्तलिफ बच्चों के टॉयज़ हैं, खिलौने हैं रखे हुए, कुछ मसाज करने वाली चीज़ें हैं, मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। तो ये भी मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं रखी हुई, ये बेटा है मेरा। तो हमने कहा आज हम भी देखते हैं ज़रा, चल के चीज़ों का ज़रा जायज़ा लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चल रही हैं। ये खिलौने हैं रखे हुए बच्चों के। तो इसी तरह वेवस दुबई के अंदर तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, बीचेस हैं, लोग जाते हैं वीकेंड पे इंजॉय करते हैं, सैर करते हैं। ये अब ये मसाजर है जो उन्होंने हमें भी दिया कि आप भी ये पहन के ट्राई करें, देखेंगे कैसा है, एक अच्छा है। मैंने थोड़ा सा लगा के, ये थोड़े देर पाँच एक मिनट मैंने देखा है, थोड़ा गर्दन के पीछे बैक के ऊपर के लिए है ये, कि आप ज़रा पीछे आपके पट्टे वगैरह रिलैक्स हो जाएं। ये हस्बैंड है, ये भी हंस रहे हैं क्योंकि अभी इनको भी लगाना है, तो ये भी ट्राई करेंगे। ये देखें जी, अभी इन्होंने भी लगा लिया, अभी ये ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं अब इनको, इंजॉय कर रहे हैं ये भी। तो ये है व्यूअर्स के, हमने कहा कि जब हम इंजॉय करेंगे, हम बाहर जाते हैं तो आपको भी साथ में सैर कराते हैं बाहर की, आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। तो
ये मसाजर है, इससे बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये भी उन्होंने लगाया है हमें, आपकी थकावट अच्छे से दूर हो जाती है। अब हम शॉप से बाहर निकल आए, अब हम ऊपर फ्लोर पे हैं तो नीचे ये देखें सब शॉप्स वगैरह तो हैं बनी हुई और मुख्तलिफ स्क्रीनें भी लगी हुई हैं। सब अपने अपने घूम फिर रहे हैं। ये अब हम वहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं। अब हम फेमस जगह पे आ गए हैं बाहर फाउंटेन में। ये बुर्ज खलीफा है जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, यानी कि बहुत बड़ी इमारत है ये, बहुत बड़ा टावर है ये, दुनिया का फेमस सबसे बड़ा टावर है। तो अब हम यहाँ डांसिंग फाउंटेन देखेंगे जो कि वही लोग आते हैं मोस्टली, ज़्यादातर वो शौक से देखते हैं आके। तो यहाँ पे हर आधे घंटे बाद 3 मिनट का शो होता है। फाउंटेन का मतलब कि वो फुहारे हैं, बस वो डांसिंग करते हैं, डांस कर रहे हैं वो पानी के अंदर। तो ये वो है। तो यहाँ तो रश बहुत होता है क्योंकि हर आधे घंटे बाद 3 मिनट का शो होता है ये। तो इस तरह से अभी हम भी ये देखते हैं। ले जी, ये शो शुरू हो गया है। ये देखें, ये पानी के अंदर से फुहारे। डांस कर रहे हैं फुहारे ये। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, साथ में बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है। शो ख़त्म हो गया है, आपको अच्छा लगा होगा, अब देखेंगे मूवी। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, बल्कि सब लोग ही अंदर वापस मॉल की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आधे घंटे बाद दोबारा शो फिर होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, फिश एक्वेरियम की तरफ हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मैं डायरेक्टरी की तरफ आई हूँ क्योंकि दुबई मॉल के शुरू एंटर होने में ही है सामने। यहाँ से आप लोकेशन को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं आपने कहाँ जाना है मॉल के अंदर, तो वो अब हमने देखा है। अब हम ये मुख्तलिफ साइटों में शॉप्स भी बनी हुई हैं सारी। अब हम फिश एक्वेरियम की तरफ ही जा रहे हैं, थोड़ा दूर है बस,
पहुंच जाएंगे, साथ साथ मॉल भी देखते रहेंगे, मुख्तलिफ दुकानें हैं। जी ये भी कोई स्क्रीन सी है लगी हुई, इसके अंदर भी आपको समंदर ये पानी नज़र आ रहा है सारा, बड़ा अच्छा मंजर है ये भी, और एडवर्टाइजमेंट के लिए ये बनाया हुआ है। आगे टेबल वगैरह चेयर्स रखी हुई है बैठने के लिए भी अंदर। ये टावर है जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसको दूर से हमने दिखाया था आपको, तो ऊपर से अब इसको ज़रा क्लोज अप नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर है, ये एक मॉडल सा बना हुआ है कि जो आइंदा आने वाले टाइम में ये कोई बड़ा दुबई में शायद ये बनेगा, वो उसका है ये मॉडल। ये तो ऐसे ही अभी तो ये व्यू है। अब ये बाहर आए हम तो ये डिजिटल स्क्रीन सी लगी हुई है, अब इसके अंदर हैं हम, जिसके अंदर पीछे समंदर है, पान रेत वेत कुछ दिखा रहे हैं, या कुछ होटल्स के रूम्स बने हुए हैं, फर्नीचर बैकग्राउंड जो इसका सारा गोलाई में है, बिल्कुल गोलाई में है, ये चेंज होता रहता है पीछे, कभी बेडरूम्स आ जाएंगे, कभी कुछ इस तरह से हो जाएंगे। और ये उसके बाहर का मंजर है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, अभी ये स्क्रीन है, तो इस सामने खड़े होके इसमें आप पिक्चर वगैरह बनाएं, अच्छा मतलब व्यू है ये प्यारा सा। ये ऊपर आपके अम्ब्रेला छतरी भी लगी हुई है, ये हस्बैंड है, इन्होंने भी यहाँ पे बनाया है तस्वीर अपनी। अच्छा अब ये हम आ गए हैं जोगस की दुकान पे, उसके बाद ज्वेलरी की दुकान पे आ गए। आई लव ज्वेलरी, उनके लेडीज़ की बहुत पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ मुख्तलिफ चीज़ें, और ज्वेलरी है भी बहुत प्यारी है, पत्थर स्टोन्स के ये बने हुए सारे सेट हैं, ब्रेसलेट हैं, अंगूठियाँ हैं, घड़े वगैरह इसमें हैं, तो मैंने कहा ये मैं आपको भी दिखाती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये जेन्युइन स्टोन है, बहुत खूबसूरत, बहुत आंखों को बहुत अच्छा दिखना है। एक मैंने रिंग पहन के भी देखी है, तो मैं देखती हूँ कोई अच्छा लगा तो कुछ ले लूँगी। तो ये अब आप देखेंगे, मैं ये पहन के देखती हूँ। तो जी अब हमने तो आपको दुबई की मॉल की कुछ तो सैर करवा ही दी है इतने बड़े मॉल में से, और अब ये दूसरी शॉप पे हैं, वहाँ भी ये कुछ और नए डिज़ाइन लगे हुए हैं, ये बैंगल्स हैं यानी कि कड़े हैं, चूड़ियाँ वगैरह हैं, सेट वगैरह लगे हुए हैं, बस सारी ये तमाम लेडीज़ की पहनने वाली ज्वेलरी है, बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी है, ब्रेसलेट वगैरह हैं। अब हम ज्वेलरी तो देख चुके हैं, अब हम आगे आ गए फिश एक्वेरियम की तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा है, एक गिलास है यानी कि ये कांच का बहुत बड़ा, उसमें ये बड़ी शार्क मछलियाँ वगैरह रखी हैं, दूसरी छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, सारा गिलास का बना हुआ है शीशे का, इसमें ये मुख्तलिफ कलर की हैं, डिज़ाइन की हैं, अंदर उनकी
पानी के अंदर उनकी मुख्तलिफ वो एक नेचुरल सी उन्होंने अंदर पहाड़ियाँ सी बनाई हुई हैं, स्टोन वगैरह पत्थर इस तरह से रख के नीचे भी ऊपर भी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने इस तरह ना। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। मछलियाँ अंदर छोटी बड़ी मुख्तलिफ डिज़ाइन की हर किस्म की इसमें तैर रही हैं। तो हम जब भी जाते हैं बच्चों को भी लेके जाते हैं या कोई भी आए तो बड़ा अच्छा लगता है जाके देख के। ये बहुत बड़ी जगह है, ये सारे आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब ये इसकी दूसरी साइड है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं ये मछलियाँ, कितनी सारी देखें। ये बड़ी प्यारी सी मछलियाँ खूबसूरत सी ये लग रही हैं। बाहर रश भी बहुत है देखने वालों का भी, बहुत ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं देखते हैं बड़े शौक से। तो अब इसमें से तो डिफरेंट स्टाइल की और मुख्तलिफ अकसाम की फ़िश हैं इसके अंदर, जो कि अब मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते। ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है, जैसे कि उड़ने लगी है ये, जैसे परिंदा होता है ये। बड़े खूबसूरत रखी हुई है ला के मुख्तलिफ जगहों से लाए हुए हैं, ये बहुत प्यारी लग रही है इस तरह। ये देखें ये एक और आ रही है, ये भी उसी के साथ की है इसी तरह ही। और ये देखें इनके रहने के लिए भी अंदर मुख्तलिफ पहाड़ियाँ पत्थर जहाँ पे इनका बसेरा होता है, बड़ा इनका माहौल ऑक्सीजन का सिस्टम पानी सब बड़ा अच्छा इनका इंतज़ाम है। अब ये देखें, अब पहले मैंने आपको मतलब ये जो नीचे लोग खड़े हुए सारे ये दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने आपको कहा था कि सब लोग नीचे खड़े हुए, अब आपको क्लोज करके दिखाते हैं उसको क्लोजअप करके। अब ये सारे नीचे बहुत रश है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, सब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं, कोई लोग अंदर चले जाते हैं गिलास के जार के पास, ये जो जार है गिलास जो लगा हुआ है सारा इसके पास जाके। ये ऊपर उन्होंने आसमान बनाया हुआ है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ सितारे हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहे हैं बड़े अच्छे। ये सारा ऊपर का मंजर, नीचे फिश यानी कि पानी के साथ का उसको कम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। अब हम वहीं से बाहर निकले हैं तो हम आगे एक कैंडी शॉप यानी कि जो चॉकलेट्स वगैरह हैं मुख्तलिफ इसमें टाफियाँ वगैरह रखी हुई हैं लोगों ने, उस तरफ हम आ गए। ये सारी सब ये कैंडीज हैं सारी और मुख्तलिफ डिज़ाइन की हैं बड़ी। ये तो फ्लावर से है, कैंडी फ्लावर है। अब हम वहाँ से निकले हैं तो हम एप्पल स्टोर पे आ गए, मैंने कहा आपको एप्पल स्टोर भी घुमा देते हैं। आईफोन नया लॉन्च हुआ है, हमने कहा उसको भी देखते हैं चल के जी। बस वहाँ से अब हम सारा घूम के अब हम मेकअप आ रहे हैं, जो कि आई लव मेकअप, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी ज्वेलरी की तरह। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कौन सा शेड अच्छा है कौन सा नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, तो कौन सा शेड अच्छा लग रहा है लगा के चेक करते हैं। यस, ये अब मैं यहाँ लगा के ट्राई करके देखती हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लगा, ये ग्रीन सब्ज रंग का है, ये मैं अपनी आंखों में लगा के चेक करती हूँ कैसा लग रहा है। ये सारे हस्बैंड भी मजाक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या सारा मेकअप आज ही कर लेना है। ये अब क्लोजअप करके आपको दिखा देते हैं, दरअसल अभी सारा मॉल घूम के ना आप मुंह तो थक भी गए हैं। अभी आपने देखा है, अब हम मुझे वो जो पसंद आया ग्रीन वाला वो मैंने ले लिया है, अच्छा लग रहा है ये। अब हम मेकअप तो ले लिया हमारा, वो काम तो हो गया, वहाँ से अब हम आए हैं। ये है
ये कॉफी शॉप है ये, इसके अंदर यानी कि कॉफी की शॉप बनी हुई है, इसके अंदर कॉफी बना के देते हैं लोगों को पीने के लिए। ये गाड़ी की शक्ल में उन्होंने बनाई हुई है, बड़ा अच्छा है, अच्छी है ये। अच्छा अब हम आ गए हैं आइस स्केटिंग को देख रहे हैं हम, आइस रिंग जो होता है उसके अंदर वो गाड़ी चल रही है, एक आइस रिंग है ये। तो अभी तो ये बंद है क्योंकि आजकल मौसम है नहीं है, इसकी सफाई हो रही है इसलिए। जी बस अब हम वहाँ से निकले, सारी चीज़ें अब आपको कवर करके दिखा के अब हम थक गए, हमने कहा आप कुछ खा पिया लिया जाए, तो अब हम आए कुछ पेट पूजा करने के लिए। ये सारा आपको फूड कोर्ट दिखा रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के यहाँ पे, यानी कि खाने के हवाले से, फूड के हवाले से ही मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे, हर चीज़ है। और ये सारे अब देखते हैं हम, दिखाई करते हैं कि हमने क्या खाना है, उसी तरफ चलते हैं अब आप। हाँ यहाँ पे फूड की बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये फूड कोर्ट, हर टाइप का है। जैसे मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं लोग वो भी इसमें अपने पसंद का खा सकते हैं, अरेबिक, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी है, इंडियन है, सब हैं इसके अंदर। वो ये बड़े खूबसूरत से, इनकी डेकोरेशन बड़ी अच्छी है, लैंप्स बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं मुख्तलिफ शॉप्स में इनके ब्रांड के। तो अब हमारा फूड कोर्ट तो ख़त्म हो गया, खाना वाना हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। तो वीवीएस ट्रिप हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, तो अब हम लिफ्ट से हम बाहर आ गए हैं, अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये तो हमारा ट्रिप था जो आज का हमने आपके साथ शेयर किया, और इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो सामने आपको और मुख्तलिफ अच्छी सी वीडियो आपको बना के देते रहेंगे।